फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इन्वर्टर एसी रिपेयरिंग कोर्स के 9वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट में कुल कितने प्रकार के ब्लोअर मोटर लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक एसी के अंदर एक ही प्रकार का कोई मोटर लग सकता है, लेकिन अलग अलग कंपनियों की बात की जाए तो किस किस टाइप का मोटर जो है कि कंपनियां इस्तेमाल करती हैं इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें एक आता है एसीपीजी मोटर, जिसके बारे में हमने पहले आप लोगों को बेहतर तरीके से बता रखा है। और एक आता है डीसीपीजी मोटर। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर जो है एसीपीजी मोटर पहले जो है कि लगाए जाते थे, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो ज़्यादातर आपको डीसीपीजी मोटर देखने को मिलेगा। अब ये एसीपीजी मोटर और डीसीपीजी मोटर किस तरीके से पहचाने जाते हैं तो आपको पहले से हमने बता रखा है कि पहचान क्या है, और आपको इस वीडियो में भी हम बताने का काम करेंगे कि एसीपीजी मोटर या डीसीपीजी मोटर किस तरीके के दिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये एसीपीजी मोटर है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल दो लीड निकले होगा। दोनों लीड में जो है कि दो अलग अलग कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक छोटा कनेक्टर है एक बड़ा कनेक्टर है। बड़े कनेक्टर में CSR ये तीन तार होते हैं, यानी कॉमन स्टार्टिंग रनिंग ये तीन तार होते हैं, और जो छोटा कनेक्टर है उसमें VCC यानी कि वोल्टेज कॉमन कलेक्टर 5 वोल्ट वाला एक तार होता है, एक होता है ग्राउंड, और तीसरा जो होता है Vout का। इस तरीके से ये टोटल 6 तारों का जो है कि मोटर होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डीसीपीजी मोटर की, जिसमें कि एक ही कनेक्टर होता है और इस कनेक्टर में टोटल 5 तार होते हैं। 5 तारों में पहला वाला तार जो होता है लाल रंग का VM करके होता है, और उसमें जो है हाई वोल्टेज DC सप्लाई दिया जाता है, जो कि 280 से लेकर के 340 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है कि दूसरा वाला इसका तार काला रंग का होता है, जो कि ग्राउंड होता है। तीसरा जो है सफ़ेद होता है, जो कि VCC होता है यानी वोल्टेज कॉमन कलेक्टर होता है। इसके द्वारा जो है कि मोटर को 15 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जिससे कि मोटर के अंदर लगा सर्किट चालू हो सके यानी एक्टिव हो सके। उसके बाद जो है कि चौथे नंबर का ये जो तार आप देख रहे हैं ये पीला रंग का तार है, और इस पीले वाले रंग के तार में जो है वेरिएबल वोल्टेज जो है कि दिया जाता है, यानी 0 से लेकर के 6.5 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ पर घटती बढ़ती हुई वोल्टेज इसको मिलती है, जिससे मोटर हमारा स्पीड कम ज़्यादा करता है। और इस तार के ऊपर लिखा रहेगा, यानी पीले वाले तार के लिए लिखा रहता है VSP यानी वोल्टेज स्विचिंग पॉइंट, और उसके बाद लास्ट में ये जो नीला वाला तार आप देख रहे हैं इसको FG बोला जाता है। FG का मतलब फीडबैक जनरेटर का नाम से जो है कि ये 5वां नंबर वाला तार होता है। तो इस तरीके से टोटल 5 तार जिस मोटर में आपको दिखाई देंगे, जिनके ऊपर क्रमशः जो हमने बताया वो चीज़ें लिखी गई होंगी, तो समझ लीजिएगा कि वो डीसीपीजी मोटर है। तो यही दोनों मोटर हैं जो कि हमारे इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट के अंदर लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।